अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इत्तेज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, ये वीडियो पैनल के रेट के वाले से है, जिसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ लोंगी के पैनल की प्राइस और इसके अलावा जिनको के पैनल की प्राइस, जिसमें सिंगल ग्लास और डबल ग्लास और इसके अलावा कैनेडियन सिंगल ग्लास और डबल ग्लास, ये सारी जो है ना इनकी प्राइस आपको लेटेस्ट प्राइस शेयर करेंगे कि लाहौर के एरिए में तकरीबन इसकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या चल रही है। जी फ्रेंड, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि इस तरह की मजीद वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलें जी दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं लोंगी के पैनल की प्राइस। लाहौर के एरिए में जो लोंगी के पैनल की प्राइस चल रही है पर पीस के वाले से अगर आप देखते हैं, और एक होता है खुला पायलट। खुले पायलट में मतलब ये है कि पायलट अगर खुल जाता है, पायलट में तकरीबन को मैंने पहले भी आपको बताया कोई 32-33 पैनल होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम खुले पायलट की बात करते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना लोंगी के हाइमो X6 पैनल की जो प्राइस है इस टाइम लाहौर के एरिए में तकरीबन 2850-2829 रुपये पर वाट चल रही है, ठीक है। 2850-2829 रुपये पर वाट अगर प्राइस देखें, अगर हम ये 2900 रुपये पर वाट प्राइस लगाते हैं, 580 वाट का पैनल होता है, 580 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2850 रुपये के हिसाब से, तो ये प्राइस बनती है 16500, ठीक है। 16500 का पैनल बनता है लोंगी का हाइमो X6 पैनल। अभी जो पैनल की प्राइस चल रही है वो तकरीबन जो है ना ये इसी के अराउंड अबाउट प्राइस रहनी है, ठीक है। आगे जाके थोड़ी सी प्राइस मजीद भी इंक्रीज़ हो सकती है, अगर आपने पैनल परचेज़ नहीं किए तो फौरी जो है ना पैनल परचेज़ कर लें। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा पैनल सबसे बेस्ट पैनल है, कौन सा पैनल आपको अपने घर में लगाना चाहिए सोलर सिस्टम के साथ, ठीक है। तो लोंगी के पैनल की प्राइस मैंने आपको शेयर कर दी है, 16500 का तकरीबन पैनल बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी जो ना पूरे पायलट की, पूरा पायलट अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस जो है ना तकरीबन जो है ना वो 50 पैसे से लेके 75-1 रुपया जो है ना मजीद यानी कि डाउन हो जाती है अगर आप पूरा पायलट जो है ना परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओपन पैलेट की जो है ना वो प्राइस बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना हम बात करते हैं जिनको के पैनल की, जिनको का सिंगल ग्लास पैनल एन टाइप, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। जिनको का जो सिंगल ग्लास पैनल है उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 29 रुपये पर वाट चल रही है, ठीक है, 29 रुपये पर वाट। इससे थोड़ी सी प्राइस कोई 50 पैसे कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग प्राइस थोड़ी सी 50 पैसे ज़्यादा देते हैं, कुछ थोड़ी कम देते हैं, लेकिन एक एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ 29 रुपये पर वाट सिंगल ग्लास के पैनल की प्राइस है इसके जिनको के पैनल की। तो इसके अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 580 के साथ तो ये प्राय बनता है 16820 रुपये का पैनल बनता है सिंगल ग्लास जिनको का पैनल। इसी तरह कैनेडियन का पैनल देख लें, ठीक है, वो भी तकरीबन एस्टिमेटेड उसकी भी प्राइस तकरीबन सेम ही है सिंगल ग्लास पैनल की। और इसके बाद हम बात करते हैं डबल ग्लास पैनल की, डबल ग्लास एंड टाइप पैनल की, ठीक है, बाईफिशियल पैनल जिसको कहते हैं, यानी कि जिसके दोनों साइड पर जो है ना वो पैनल जो है ना हम इसको डिटेक्ट करता है, तकरीबन जो बैक साइड की जो एफिशिएंसी होती है तकरीबन कोई 8-10% बैक साइड से जो है ना वो एफिशिएंसी मजीद यानी कि पैनल ज़्यादा करता है बनिस्बत जो है ना वो सिंगल ग्लास पैनल की, ठीक है। अगर आपके घर के छत के ऊपर जो है ना फर्श बना हुआ है यानी कि कोई मार्बल लगा हुआ है या टाइल पत्थर लगा हुआ है, उससे जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ पड़ेगी, जिससे जो है ना एफिशिएंसी थोड़ी सी मजीद इंक्रीज़ होगी। अगर आपके घर में कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है तो आपको सिंगल ग्लास पैनल जो है ना वो पर चूज़ करना चाहिए, सिंगल ग्लास पैनल आपके लिए फिर बेस्ट है, ठीक है। तो वैसे यानी कि उधर जो है ना आपको डबल ग्लास पैनल लगाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और डबल ग्लास पैनल में एक फ़ायदा ये भी होता है, सिंगल ग्लास जो पैनल है वो बेस्ट पैनल होता है, वो इसकी वजह क्या है, उसका जो वो थिकनेस होती है उसके जो फ्रेम है शीशे की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है बनिस्बत जो है ना बाईफिशियल पैनल की। बाईफिशियल का जो शीशा होता है ऊपर जो फ्रेम होता है उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी सी चंद जो है ना माइक्रो में थोड़ी सी कम होती है दूसरे जो है ना बाईफिशियल सिंगल ग्लास पैनल की निस्बत, ठीक है। और इसमें अगर हम डबल ग्लास की बात करते हैं, इसकी प्राइस की बात करें, तो इसमें जिनको का पैनल ले लें डबल ग्लास या कैनेडियन का डबल ग्लास बाईफिशियल पैनल ले लें, दोनों की प्राइस तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो आप जो हमारी डिटेल में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2950 रुपये पर वाट अगर प्राइस बनती है तो 580 वाट का पैनल इसकी प्राइस जो है ना वो बनती है 17110 रुपये, ठीक है। इस टाइम जो है ना बाईफिशियल पैनल है जिनको का या कैनेडियन का बाईफिशियल एंड टाइप पैनल, इसकी प्राइस बनती है 17110 रुपये बनती है, ये ओपन पैलेट की है, ठीक है। अगर आप इसमें पैलेट पूरा परचेज़ करते हैं 50 पैसे 75 पैसे
और मैक्सिमम जो है ना 1 रुपया मजीद भी कम हो सकता है अगर आप पूरा पैलेट परचेज करते हैं। तकरीबन 30-32 पीसेज होते हैं एक पैलेट के अंदर। जी फ्रेंड्स, ये थी इन पैनल की प्राइस जो कि लेटेस्ट प्राइस चल रही है इस टाइम, ठीक है, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। अगर आपने ये वाले पैनल परचेज करने हैं तो नीचे हम नंबर शेयर कर देंगे, आप उस नंबर पर रब्ता करके पैनल परचेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो इन्वर्टर के वाले हैं। इन्वर्टर के भी रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो उसमें हम सोलिस के इन्वर्टर के बारे में बताएंगे, ऑन ग्रिड के इन्वर्टर के बारे में और हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा ग्रोवाट के इन्वर्टर के बारे में आपको बताएंगे कि उनकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा सन ग्रो का इन्वर्टर, गुडवी का इन्वर्टर, ठीक है, हवावे का इन्वर्टर और नोक्स के इन्वर्टर, इन सब की जो ना हम एक वीडियो डिटेल वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे कि इनके लेटेस्ट जो है ना वो रेट मार्केट में क्या चल रहे हैं, तो उनकी डिटेल भी आपको शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएँ ताकि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।